सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोडाउन पे। सो गाइस, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है दुकानदारों के, जो कि लॉकडाउन के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है काफ़ी लोगों का, काफ़ी दुकानदारों का, रिटेलर वालों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। सो गाइस, ये एप्लीकेशन लोगों को काफ़ी मदद करने वाली है, क्योंकि इस टाइम क्या है कि काफ़ी लोग कोरोना की वजह से डरे हुए हैं, जो कोरोना बीमारी है उसकी वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, इसलिए कुछ परचेसिंग नहीं कर रहे। तो वो चाहते हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़े और हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि हम अपने जो स्टोर हैं उनसे हम ऑनलाइन ही ऑर्डर ले लें, कोई भी आइटम हो उनको ऑर्डर ले लें उनसे, और पेमेंट भी उनको हम ऑनलाइन सेंड कर दें, मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी कर दें। तो गाइस, ये एप्लीकेशन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस लेकर के बैठे हैं, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा अपने लोगों को, अपने कस्टमरों को कोई भी आइटम सेल करने के लिए। सो गाइस, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पूरी देखना, एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंक्वायरी, प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट का प्राइस, होम डिलीवरी से लेकर के फ्री होम डिलीवरी तक, मतलब क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस है, क्या क्या फ्यूचर है, वो सारे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोडाउन। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मैं आपको सबसे पहले खास बात बता दूं, ये एप्लीकेशन आपका इंटरनेट पे चलेगा, इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन को ऑन करेंगे। तो गाइस, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ ऑनलाइन दुकान इन 30 सेकंड के अंदर अपनी ऑनलाइन दुकान इसमें कर सकते हो। सो गाइस, हम सबसे पहले ओपन करते हैं, ओपन कर दिया हमने, तो उसके बाद हमें फीचर देखने को मिलेगा क्रिएट माय स्टोर, क्रिएट माय स्टोर पे हम क्लिक कर देंगे। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम दे देंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP जैसी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होता है तो आप मैसेज में जा करके OTP देख सकते हो, OTP देखने के बाद यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। सो गाइस, ऑटोमेटिकली आप OTP सबमिट हो चुका है और यहाँ पर कुछ इंटरफेस नज़र आ गया देखने को हमें मिल रहा है कि एंटर बिजनेस डिटेल। तो सबसे पहले हमने बिजनेस नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ MK मार्केट, ठीक है, नॉर्मल से एक नाम डाल देते हैं। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ऑलरेडी यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट है, इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है, या तो लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो अलाउ लोकेशन कर देना और सेव एड्रेस लिख देना, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, आगे जाने के बाद स्टोर सक्सेसफुली क्रिएट का ऑप्शन हमें देखने को मिल गया है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें अलाउस अब वो मांगेगा, परमिशन हमें दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है फोटो का, यहाँ से लेकर के हम अपनी कोई भी फोटो एक लगा सकते हैं, अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको देखने को मिल रहा है चूज कैटेगरी का ऑप्शन, तो गाइस यहाँ से हम अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक की अपनी एक कैटेगरी यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। तो अगर नीचे हम प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं एयरफोन, सपोज करो यहाँ पर हम अपना एयरफोन का एक प्रोडक्ट डाल देते हैं। एंड गाइस, नीचे आपको देखने को मिल रहा है MRP, ठीक है, MRP हम जैसे यहाँ पर डाल देते हैं 200 रुपीज़, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा हमारा 150। एंड आपको नीचे देखने को मिलेगा कि कितने पीस का, ठीक है, कितने पीसेस में आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपकी किलोग्राम में आइटम है किलोग्राम में कर सकते हो, ठीक है, लीटर में है तो लीटर में, ml में है तो ml में, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, हमारी पीसेस में आइटम है, पीसेस के अंदर हम कर देंगे, एक पीस यानी कि हम सेलिंग आइटम देख रहे हैं 150 रुपीज़ की। सो गाइस, नीचे आपको देखने को मिलेगा कुछ कि प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की डिटेल डाल दी और यहाँ पर एक ऑप्शन और नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि एड साइज और कलर, तो एड साइज और कलर पर हम क्लिक कर देंगे, किस कलर का हमें ये यहाँ पर साइज का हमें देखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्री साइज, अगर वो साइज नॉर्मल तो उसके यहाँ पर लिख देंगे हम फ्री साइज, ओके, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया फ्री साइज। एंड गाइस, यहाँ नीचे कलर पे जाने के बाद ऐड कलर पे क्लिक करेंगे, कलर पे जाने के बाद इस पर ब्लैक कलर, ओके, ब्लैक ही कर देते हैं नॉर्मली, ब्लैक कर देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। गाइस, अगर समझ में ना आ रहा हो तो भाई सॉरी, चाहता हूँ जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, ठीक है,
एंड गाइस ऐड प्रोडक्ट कर देंगे लास्ट, हमारा हमें क्या करना है इस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। हम ऐड यहाँ पर कर चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो क्रिएट ऑनलाइन स्टोर का, नीचे देखने को मिलता है ऐड प्रोडक्ट का, तीसरा शेयर ऑन व्हाट्सएप। यहाँ से हम अपना ये प्रोडक्ट किसी भी फ्रेंड को यहाँ से शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी जाकर के सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से सामने वाला कस्टमर हमारी आइटम को परचेस करेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ शेयर। शेयर करने के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम किसी अपने दोस्त को यहाँ पर एक शेयर करके देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर एक लिंक हमने जो है अपना प्रोडक्ट का शेयर कर दिया। मैंने यहाँ पर पिक ऐड नहीं की थी, तो आप पिक ऐड कर लेना, तो मतलब रियली एकदम लगेगा। सो गाइस नीचे देख सकते हो एक लिंक के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मतलब यहाँ हमें सामने वाले बंदे को शो भी होगा कि जिन्होंने ये सेंड किया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उनका शॉप का जो लिंक है जहाँ से हमें परचेस करना है वो लिंक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस लिंक पर जैसे ही सामने वाला बंदा क्लिक करेगा, हमारा कस्टमर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये हमारे अपने स्टोर पर ओपन हो जाएगा। सो गाइस ये जैसे कि हमारा स्टोर ओपन हो रहा है, सो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा स्टोर जो है एक वेब ब्राउजर पे ओपन हो चुका है। और अगर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो गाइस उसको करना क्या है, सीधा ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करके जो भी इसके अंदर साइज और कलर दे रखे होंगे, और हमने जो प्रोडक्ट ऐड करे थे जैसे कि ब्लैक कलर ऐड किया था, तो ब्लैक कलर का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और अगर कोई बंदा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेगा। बाय नाउ पर क्लिक करने के यहाँ पर सिंपली अपना एड्रेस डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा कस्टमर को, OTP यहाँ पर उसको सबमिट करना पड़ेगा। OTP जैसे ही आएगा तो OTP यहाँ पर कस्टमर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद OTP जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हमें यानी कि कस्टमर को यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो नीचे हमें कस्टमर का एड्रेस चाहिए होगा, एड्रेस कस्टमर यहाँ बाय करने के लिए एड्रेस डालेगा, ठीक है। जो भी उसका एड्रेस है वो यहाँ पर सबमिट कर देगा। एड्रेस के बाद यहाँ पर अपनी सिटी डाल देगा। सिटी डालने के बाद यहाँ पर एक अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, जिस पिन कोड में कस्टमर रहता है वहाँ का अपना कस्टमर पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करने के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। प्लेस ऑर्डर करने के बाद जैसे ही यहाँ पर प्लेस ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है तो यहाँ पर एक सक्सेसफुली ऑप्शन आ चुका है प्लेस ऑर्डर करने का, मतलब हो चुका है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास आपकी जो होम पेज सिस्टम खुला हुआ है उसके ऊपर आप एक ऑर्डर का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ऑर्डर के ऑप्शन पे लिखने देखने के लिए आपको ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा कि आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं, और यहाँ पर रेड डॉट भी आ जाएगा। तो आपके पास ये एक ऑर्डर आ चुका है जो कस्टमर ने बाय किया है, उसकी हम डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ से ऑर्डर आया है, किस एड्रेस से ऑर्डर आया है और किस पिन कोड से है। अगर इस पिन कोड पे हम डिलीवरी दे सकते हैं तो इस ऑर्डर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और कॉल करके इन कस्टमर से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आपने ऑर्डर बुक किया था, क्या हम आपका ऑर्डर कंफर्म कर दें। तो उसके बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए एक बार फिर कन्फर्म करने के लिए हमें दिखाएगा कि आपको डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, तो हम इसको यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इस पिन कोड पर डिलीवर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने वाले कस्टमर के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इतने इतने देर में इतने दिन में आपका ऑर्डर पहुँच जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आप यहाँ डाल सकते हो, और आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हो। डिलीवरी चार्ज आपका यहाँ पर एक ऑप्शन जो है डिलीवरी चार्ज का दे रखा है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो आपका कितना डिलीवरी चार्ज रहेगा, या फिर जहाँ फ्री हो तो जितना आपका जो अमाउंट है, ठीक है, उसी अमाउंट का यहाँ पर डिटेल डालनी है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही सेव कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर व्हाट्सअप चैट सपोर्ट आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा जो कि लिंक के साथ आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, प्रोडक्ट डिटेल है, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, प्रॉपर बताऊँगा, या इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते। सो गाइज आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों को शेयर कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए, बहुत ही जल्द आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट कर देना भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।